स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में आज शिक्षा पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है, लेकिन मैं इस जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। पिछली सरकार के बारे में अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने शिक्षा मंत्री को बंगाल ले जाना चाहता हूँ, शांति निकेतन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शिक्षा संस्थाएं चाहिए, मुझे पुरानी परंपराओं पर चलने वाली शिक्षा संस्थाएं चाहिए। दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 1,500 विद्यार्थियों के ऊपर 250 प्रोफेसर है। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और विश्वविद्यालयों में भी आप इसी हिसाब से शिक्षक दे। मैं विदेश में पढ़ा हूँ, वहाँ के प्राथमिक शिक्षक को 2,000 रुपये वेतन मिलता है। वे कार पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एक डंडा लेकर चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है? आपके विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, वे नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाते। विदेशों में अच्छे विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आज गांधी जी की तरह सोचने वाले कितने लोग हैं? इस संबंध में नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कितने विद्यार्थी आपके स्कूलों में ऐसे हैं जो गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं? आज भारतीय संस्कृति की चिंता किसी को नहीं है। हम रामराज की कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। स्कूल के शिक्षकों को आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने को अच्छा मकान दीजिए। आज जो शिक्षक बनता है, वह सुबह और शाम दूसरी नौकरी भी करता है। जब यह क्लास में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं कर सकेगा तो क्या पढ़ाएगा? मैं चाहता हूँ कि स्कूल के साथ ही उनके रहने
के घर हो।